बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम आपको खुशामदीद कहते हैं बेज फ्लावर रेमेडीज की सीरीज में, जो कि हम दादा के साथ इसमें लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आज की हमारी फोर्थ मेडिसन्स है, तो हम स्टार्ट लेते हैं दादा से। तो दादा जी, आप स्टार्ट कीजिए आज की मेडिसिन से। कोशिश करना अच्छी बात है, कोशिश ही करो, बिकॉज वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती है। वादा कभी मत करो, कोशिश करो, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। ठीक है। इंशाल्लाह हाँ, और जैसे मैंने बताया ना कि कहाँ आप लोग कहाँ, मैं थोड़ी देर पहले जो बताया था कि सरे ताला। राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, नहीं, सरे राह चलते चलते मुझे ये ग्रुप मिल गया था। बहुत खूब। ठीक है, कितना निकट आ गए हैं हम लोग। पहले तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, एक दूसरे से डरते थे, अब कौन किससे डरता है। ठीक है ना? ये देखो तो ये एक खुदा का करिश्मा ही है कि सही हम बात। सबको मिला दिया है। ठीक है, अब आज की रे मेरी सेंचुरी बोलो, सेंटोरी बोलो, हर लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं उसको, बट इसका मतलब है नो बोलना नहीं जानता। अपना ये पेशेंट है ना, वो नो बोलना नहीं जानता। इसके लिए भी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना देती है, समझे ना आप? पायदान मतलब डोरमेट। जी हाँ, तो जहां जितना जरूरी है उतना ही झुको, जहां नो बोलना है वहां बिंदास नो बोल दो। और ये नो बोलना हमें सिखाती है सेंचुरी। सेंचुरी क्या है? एक कमजोर व्यक्तित्व, जिसको वीक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, वो वीक पर्सनालिटी है, कमजोर इच्छा शक्ति, वीक विल पावर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो किसी को ना नहीं बोलता। क्यों ना ही नहीं बोलता? उसके अंदर एकदम सेवा का भाव भरा हुआ है, इसका ये काम कर दूं, उसका वो काम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। आप जो बोलोगे वो करता रहेगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा। कि कभी कभी तो ये सामने से बोल देता है कि मैडम मैं आपका ये काम कर देता हूं, आप आराम से बैठो। ये सेंचुरी है। और क्या है सेंचुरी? कि जैसे नो बोलना नहीं चाहता, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लो विल पावर है, लो पर्सनालिटी है, वीक पर्सनालिटी है, तो मतलब वो किसी के अंदर में आराम से आ जाता है। वीक पावर, विल पावर हुआ, लो पर्सनल वीक पर्सनालिटी हुआ, लो सेल्फ कंट्री हुआ, तो वो किसी के अंदर संत, महंत, गुरु, फकीर, ये सब होता है ना। ये अपना ये पेशेंट उन लोगों के जाल में आराम से फंस जाता है। नो बोलना नहीं जानता, विल पावर है, तो उसके अंदर में ये आराम से आ जाएगा। यहाँ अपना ये पेशेंट अपने से जो पावरफुल है उसके अंदर में वो आराम से आ जाएगा। यहाँ भी आप सेंचुरी देख सकते हो। अब देख नहीं बोल सकता तो क्या होता है? अगर वो ऑफिस में जॉब करता है तो साथ में काम करना वाला उसको अपना काम दे देगा कि चल भाई आज तू मेरा आज का इतना काम कर दे, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। ये बंदा नो नहीं बोलेगा, उसका काम भी कर देगा। और लोग क्या समझेंगे उसको? मूर्ख समझेंगे। हकीकत में ये मूर्ख नहीं है, वो सब जानता है, उसको सब आता है, बट उसकी सब
सबसे कमी क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव मतलब गुलामी की हद तक सेवा भाव होता है कि लोग उसको गुलाम समझते हैं, मुफ्त का मजदूर समझते हैं और उनसे। अब यह देखो कि नो बोलना नहीं जाता, मतलब किसी को नो नहीं बोल सकता। तो जब भी हमारा ये बंदा, हमारा ये पेशेंट बीमार होता है ना, तो बीमारी भी उस पे राज करती है, जल्द से वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बीमारी को भी नो नहीं बोलेगा कि भाई तू जा अब यहाँ से, उसकी बीमारी भी लंबी चलेगी। जब बीमारी, छोटी सी बीमारी भी लंबी चलेगी तो उसमें, हेलो जी 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 बोले, वो बीच में किसी का आगे थी, वॉइस आ गई थी। हाँ, बीमारी लंबी चलेगी तो उसमें वीकनेस भी आएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है कि लंबी बीमारी चली और उसमें अभी वीकनेस है, तो ओलिव के साथ सेंटोरी दे दो, वो जट से अच्छा हो जाएगा। अब आगे देखें तो सेंटोरी क्या है? नो बोलना नहीं जानता, वो किसी को नो नहीं बोल सकता। तो स्टडी में भी अगर फर्स्ट क्लास है और पापा ने या किसी ने भी उसको बोल दिया कि तुझे कॉमर्स करना है, दरअसल में है वो साइंस का स्टूडेंट, अच्छे से मार्क लिया है, बट पापा ने बोला कि कॉमर्स करना है, वो बंदा कॉमर्स में चला जाएगा। वो बंदा यानी कि बॉय या गर्ल, जहाँ फैमिली मेंबर्स बोलेंगे वहीं शादी करेंगे, वो नो नहीं बोलेंगे, वो नो नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ। और आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना भाभी, भाभी किसको बोलते हैं आप बता सकते हो जरा? भाभी वो बोलते हैं गरीब की जोरू सब, हाँ गरीब की जोरू सबकी भाभी, आप समझ गए ना ये कहावत, आज ठीक उसी टाइप का। बट हमारे घर की जो भाभी है ना, जिसको हम बोलते हैं हमारे घर की संस्कारी बहू, क्यों बोलते हैं ऐसा? आपको क्यों संस्कारी लगती है वो? क्योंकि वो सबकी बात करती है। नहीं, सुबह से शाम तक सबकी सेवा करती रहती है। सुबह उठते ही ससुर के लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया, सास के लिए भी नहाने का पानी तैयार कर दिया, सास के लिए ये कर दिया वो कर दिया, इतने में उसकी ननद का टाइम हो जाता है, वो चिल्लाती है भाभी मुझे स्कूल का टाइम हो गया है, मेरा नाश्ता दे दो, मेरी स्कूल बैग दे दो, मेरा लंच बॉक्स दे दो। वो भाभी ये भी करती है। थोड़ी देर में देवर जी का टर्न आता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे मुझे दो अंडे की आमलेट बना दो, वो ये भी बना देती है। बीच में उसका छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का या 1 साल का, उसकी भी देखभाल करनी है, वो बेचारी वो भी संभालती है। वो संभालते संभालते उसके हस्बैंड का टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का। अब उसके हस्बैंड के लिए तो उसके शूज रखो, उसके सॉक्स रखो, उसकी ऑफिस की बैग रखो, उसको नाश्ता तैयार कर दो, ये कर दो वो कर दो, इतने में 10-10:30 बज जाते हैं। अब आप देखो वो बेचारी भाभी ने सुबह का चाय नाश्ता कब किया? नहीं किया, सबका काम करती रहती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी बहू संस्कारी है। अब जैसे तैसे उसको टाइम मिलता है, फटाफट से वो चाय नाश्ता कर लेती है थोड़ा बहुत, और दोपहर की रसोई का टाइम हो जाता है, लंच के लिए खाना बनाती है, फिर वही चक्र, ननन का आना, देवर का आना, ये दीजिए वो दीजिए, अपने छोटे बच्चे को संभालना।
एक के बाद ये रात तक चलता रहता है और वो बेचारी थक जाती है। क्यों थक जाती है कि वो नो बोलना नहीं जानती, इसीलिए। तो ये जो स्टोरी मैंने बताई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना पेशेंट है ना, वो शांत शांत नेचर का होता है, वो घर में झगड़ा नहीं चाहता। उसने उसके माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं ना, वो उसी की राह पे चलती है। वो नेचर से शर्मीली भी है, बट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी इच्छा को बता नहीं सकती, अपनी इच्छा को दूसरे के सामने रख नहीं सकती, इसीलिए वो सबके काम करती रहती है। बट जब हम उसको सेंचुरी देते हैं तो क्या होगा, वो घर में झगड़ा करेगी क्या? नहीं करेगी। बट वो ब्रेन है, वो समझदार है, वो पढ़ी लिखी है, या तो पढ़ा लिखा है, जो भी आप समझो, वो सबको समझाएगा कि भाई देखो, जैसे आप जिंदगी जीते हो ना, वैसे मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी अरमान है। मैं सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाती हूँ। सासू माँ, आप भी अभी तंदुरुस्त है, कम से कम रसोई में तो मेरा हाथ बटा दो। ननन जी, अब आप 15 साल की हो गई हो, अपने स्कूल बैग, अपना स्कूल का यूनिफॉर्म आप अपने हाथों से ले सकते हो। देवर जी को भी बोल देते हैं कि आपको हर बार जल्दी जल्दी रहती है, कभी टाइम पे आ जाया करो। ये होता है, मतलब उसका विल पावर सेंचुरी देने से बढ़ जाता है। वो अपनी इच्छाएं बताने लगती है, अपनी लाइफ जीने लगती है। ये है आज का सेंचुरी। मेन मेन सिम्टम्स इसके देखे तो मेन मेन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि पेशेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये है सेंचुरी, कमजोर इच्छा शक्ति, किसी को नो नहीं बोल सकता, वीक विल पावर हो गया, वीक पर्सनालिटी हो गई, किसी को नो नहीं बोलेगा। ये है सेंचुरी, सेवा भाव, इसकी सेवा करूं, इसका काम करूं, उसका काम करूं। ये है सेंचुरी। आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है, वो अपनी मर्जी भूल जाता है, दूसरों की मर्जी के मुताबिक ही चलता है, उसकी लाइफ पोलू के बेल की तरह हो जाती है। काम करो, खाना खाओ, सो जाओ, काम करो, खाना खाओ, सो जाओ। उसकी लाइफ में कोई मजा ही नहीं होता। और यहाँ घर के, ऑफिस के, या तो उसके फ्रेंड्स लोग उसकी ये कमजोरी का नाजायज फायदा उठाता है, अपना काम उनसे करवाता रहता है, और यह बंदा करता भी रहता है। ये क्यों करता रहता है ऐसा? जैसे मैंने बताया ना कि ये नेचर से शांत होता है। आप क्या बोलते हो शांत नेचर को, मैडम जी? जी दोबारा बोलिए सर। शांत नेचर को आप क्या बोलते हो? अमन पसंद, अमन पसंद, हाँ, अमन पसंद। वाह, वो अमन पसंद तो अपना वो एग्रीमोनी भी है, मकर मतलब कुल नेचर जिसको बोलते हैं ना, गुस्सा नहीं होने वाला, झगड़ा नहीं होने वाला, इस तरह का होता है। और मतहम मिजाज। ये सब सिम्टम्स को मिलाते अब आप देखो तो वो क्या होता है, वो जो उसका हक होता है, उसका अधिकार होता है ना, उसके लिए भी नहीं लड़ता वो। मैंने जैसे बताया ना कि खाना खाओ, काम करो, सो जाओ,
उसी टाइप की उसकी लाइफ हो जाती है। और जैसे बताया कि नो नहीं बोल सकता, जैसे दूसरों को नो नहीं बोल सकता, ठीक वैसे ही वो अपनी बीमारी को भी नो नहीं बोल सकता, उसकी बीमारी भी लंबी चलती है। और जब आपको लगे कि आपका पेशेंट लंबी बीमारी के बाद भी अभी वीकनेस फील करता है, तो आप उसको सेंचुरी दीजिए। वैसे तो बहुत सी रेमेडी है, ओलिव है, हॉर्नबीम है, ये सब वीकनेस की ही रेमेडी है कि जो कमजोरी को आराम से दूर कर देती है। अब आप देखोगे कि समझो मुझे फ्लू हो गया था, अब मैं फ्लू के बाद में अच्छा हो गया हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट जैसे मैंने अभी खांसी खाई ना, तो ये पिछले 15 दिन से ये चलता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी खांसी आ जाती है। अब यहाँ हम होम्योपैथी के नियम से नहीं सोचेंगे, बट बेच फ्लावर के नियम से सोचो, तो बीमारी के बाद में जो उसकी बची कुची शिकायतें है ना, उसको ये सेंचुरी दूर कर देती है। आपने बहुत बार देखा होगा, आपका पेशेंट भी आपको फरियाद करता है कि मैडम जी मैं अच्छा तो हो गया बट मुझे अब भूख नहीं लगती। यहाँ भी आप सेंचुरी दे दो, उसको भूख लगने लगेगी, आराम से खाना भी खाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। बट अब सेंचुरी को कैसे देखें, कि मैंने बताया कि वो सबका काम करता रहता है, तो सबका काम करने के लिए बॉडी के किस पार्ट की हमें जरूरत ज्यादा रहती है? अपने शोल्डर यानी कि कंधे और बैक। तो जो सेंचुरी पेशेंट होता है ना, उसमें आपको मोस्टली शोल्डर पेन मिलेगा या तो बैक पेन मिलेगा। आपने वो होम्योपैथी में पढ़ा था ना, हाउसमेड्स बैक पेन, ये हाउसमेड्स बैक पेन का इलाज है सेंचुरी। ठीक है, देखिए तो मैडम समीर सर, रितु मैडम, या कौन कौन आया है, या कोई नहीं आया है? नहीं सर, कोई भी नहीं है, ना डॉक्टर रितु है, ना डॉक्टर सोनल है, मुझे कोई आईडी नजर नहीं आई। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर समीर भी नहीं आए ना, वो दोनों से बोला था कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, और सोनल अभी यंग है, शादी के 2 ही साल हुए, वो ससुराल में है, तो उसकी मजबूरी भी हम समझते हैं, नहीं। वो सेंचुरी में आ गई अभी, यूं समझो। नहीं, पर कल हम उनको सेंचुरी दे देते हैं। हाँ, और वो जीता जागता अपना एग्जांपल सोनल, और उसके बाद में जीता जागता एग्जांपल में दादा ये कर दो, दादा वो कर दो, दादा ये सिखा दो, दादा वो सिखा दो, बन गया ना मैं भी सेंचुरी। हाँ या ना जी? हाँ, देखो तो बोलते हैं हाँ। चलो ठीक है, शादी का ले लिया, शांत नेचर ले लिया, अब आगे क्या देखेंगे इसमें हम? कितना टाइम बचा है? 5 मिनट है। 5 मिनट, तो पूछ लो किसी को कोई क्वेश्चन है तो। जी जी, अगर इस मेडिसिन से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके दादा से क्वेश्चन कर सकता है, या आप टाइप कर दें तो मैं पूछ लेती हूँ। हेलो दादा, ये पूछना था कि फ्रोजन शोल्डर में फिर ये काम करेगी? हाँ मैडम, देखिए वो लड़का या लड़की या जो भी कोई हो, पूरा दिन सबका काम करती रहती है, तो उसके लेग मतलब पांव भी थक जाएंगे, काम करते करते हाथ भी थक जाएंगे, तो शोल्डर पेन में भी वर्क करेगी। और जिसको बोलते हैं ना कि मेरी पिंडिया चढ़ गई पांवों की, वहां भी काम करेगा,
बैक पेन में भी काम करेगा, और जहां किसी भी पेशेंट में व्हाइट डिस्चार्ज हो ना, तो जो आपकी सिलेक्टेड होम्योपैथी है ना उसके साथ में सेंचुरी दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे अच्छा ये है, आप कोई सिम्टम्स नहीं देखना चाहते, पेशेंट को ओवा टोस्टा 3x दे दो, साथ में सेंचुरी दे दो, चाहे कैसा भी लिकोरिया होगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी और का क्वेश्चन है दादा? हेलो, हाँ जी। दादा, अगर ये जो पेशेंट है वो जो भी काम कर रहा है वो अगर अपनी मर्जी से कर रहा है, तो लेने किसी का काम करने में अगर उसका जैसे दादा आपका ही एग्जांपल, आपने अपना एग्जांपल लिया, तो दादा हाँ। आपको मजा आता है हमें सिखाने में, तो सर अगर दादा अगर ऐसा पेशेंट हो तो कि वो दूसरों का काम करने में मजा आता है तो भी वो आएगा इसमें? नहीं, सेंचुरी की कोई मर्जी नहीं होती, वो दूसरों की मर्जी के मुताबिक ही चलता है। और मैंने अपने लिए तो सेंचुरी का एग्जाम्पल यूं ही हंसते हंसते दिया था, दरअसल मैं बीच पर्सनालिटी का हूँ, पूछो इस सबको, अभी 2-3 दिन पहले ही बीच बन के बैठ गया था मैं। ठीक है, अच्छा दादा एक और बात पूछनी थी। अब ये तो हो गया, ये बंदा तो नो नहीं कह सकता, ठीक है ना, और एक ये तो चलो अपनी नेचर के हाथों, वीक विल पार के हाथों मजबूर है, लेकिन एक वो शख्स जो मोहब्बत में किसी के सब काम करता जाता है, खा वो माँ बाप की मोहब्बत हो, किसी और की मोहब्बत हो, कि ठीक है ये मैं ही ये काम करूंगा हर काम, तो वीक विल पार ना हो, तो वो क्या आहिस्ता 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 वो मोहब्बत में यानी कि लव में क्या करता है जी, क्या करता जाता है? सपोज वो इसी तरह के हर बाहर का या जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने सर लेता चला जाए। अच्छा देखो, अगर वो जैसे अपने दादा, फैमिली जैसे, की जी जी नहीं 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 आराम से, अगर वो अपनी फैमिली के लिए मोहब्बत रखता है और जी, उसके जी. लिए काम करता है, तो यहाँ आएगा रेड चेस्टनट या टोपाइन, बट उसकी कोई लवर है और उसके उसके लिए काम करता है तो आएगा चिकोरी। दादा आपने रेड चेस्टनट के साथ क्या बताया? पाइन। हाँ पाइन। ओके, सोचता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, मुझे पाप लगेगा, ये है वो है, इसलिए पाइन। बट पाइन में गिल्ट फीलिंग होना चाहिए तभी पाइन रिजल्ट देगी। ओके, अच्छा दादा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है किसी का, तहमीना भट्ट का, वो ये पूछ रही है कि इस रेमेडी को हम होम्योपैथिक मेडिसिन सीपीए से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम है? अब मैडम जरा सेपिया बताइए तो, सेपिया यहाँ कैसे आपके दिमाग में आई? ये तहमीना भट्ट साहिबा जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर दें तो वही इसका आंसर देंगी फिर। नहीं मैडम, सेपिया कहाँ से आई?